प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि राम का नाम जिसने भी जिस रूप में जपा उसका उद्धार हो गया। नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रभु श्री राम अयोध्या में पैदा हुए, राम राज्य की स्थापना की नींव उन्होंने पंचवटी में नासिक में रखी और आज महाराष्ट्र से चला एक राम इन दोनों संबंधों को एक नई मजबूती रामनाई के रूप में देता है। स्वाभाविक रूप से मैं उनका अभिनंदन इस अवसर पर करता हूं। हमारे यहां मान्यता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा, जिसने गाया जिस भाव में गाया उसका उद्धार हो गया। कहते हैं वाल्मीकि अपने पूर्व जन्म में इस स्थिति में थे कि वे राम का नाम भी नहीं जप पाते थे और जब ऋषियों ने उनसे कहा कि राम का नाम लो तो उसने कहा कि भाई मैं नाम तो मुझे आता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। तो उन्होंने कहा क्या जानते हो? कहा कि मैं तो केवल आखेट करता हूं, शिकार करता हूं और जब मेरा निशान अचूक लगता है तो मैं केवल मरा के शब्द कहता हूं। कहा इसी को जपो, वही मरा मरा शब्द राम बन गया और जरा राम नाम जपने मात्र से ऐसा त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि बने कि वैदिक परंपरा की संस्कृत को लौकिक संस्कृत में बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है इन्हीं त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि को जाता है, जिन्होंने लोक भाषा में संस्कृत को रचने का कार्य किया और वाल्मीकि रामायण उसी लोक भाषा का एक सबसे प्राचीन और सशक्त महाकाव्य है।